हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यूपी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 11 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री फॉर क्वेश्चंस। वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विश्वभर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 2 अगस्त, डी 4 अगस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 9 अगस्त। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाने की मान्यता दिसंबर 1994 में दी गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को सुधारने के लिए करने वाले लोगों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और अब अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी को हम कवर कर लेते हैं। 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्च पुस्तक द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए महिमा पॉल, बी वृषा जैन, सी विनीता दुबे, डी इनमें से कोई। राइट आंसर ऑप्शन बी है वृषा जैन। भारतीय अभिनेत्री शुभाना आजमी ने कोलकाता में द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक लॉन्च की। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक को 14 वर्ष की लड़की द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन ए रसिक मलिंगा, बी ब्रायन लारा, सी विराट कोहली, डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेटर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। इस साझेदारी के तहत महेंद्र सिंह धोनी होमलैंड में इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। इसमें बात होमलैंड की हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। होमलैंड की स्थापना 2014 में हुई थी। होमलैंड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन है अभिनेता, बी वैज्ञानिक, सी कवि, डी लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभिनेता। किस भारतीय अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हुआ? श्याम को टीवी शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा और स्लमडॉग मिलियनेयर और बैंडिट क्वीन में शानदार रोल के लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में स्टार प्लस पर उनका प्रसिद्ध नाटक मन की आवाज़ प्रतिज्ञा काफ़ी लोकप्रिय रहा था। उन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर में सत्या, दिल से, लगान जैसी फिल्मों में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है विलियम मेनन, बी जो रूट, सी जेम्स एंडरसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन, लेने वाले गेंदबाज बने हैं। जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि केएल राहुल को विकेट कीपर जोश बटलर द्वारा आउट कराकर हासिल की। मौजूदा विकेटों की उनकी संख्या 163 टेस्ट मैचों में 621 है। तो वर्ल्ड क्रिकेट को ICC रेगुलेट करता है। ICC के बारे में हम जान लेते हैं। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग पार्कले हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट को BCCI रेगुलेट करता है। BCCI के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। BCCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। पुरुष कोच रवि शास्त्री, महिला कोच तुषार अरोठे हैं। पुरुष कप्तान विराट कोहली हैं। महिला कप्तान मिताली राज ODI में हैं और महिला कप्तान T20 में हरमनप्रीत कौर हैं। सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट PS बनर्जी का निधन हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, बी राजस्थान, सी केरल, डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है केरल। केरल राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट एवं लोक गायक PS बनर्जी का निधन हुआ। थारका पनाले सहित कई लोकगीतों के गायन के लिए उन्हें जाना जाता है। वह एक IT फर्म में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी कार्य करते थे। दोस्तों, इसमें केरल राज्य का जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य में 14 जिले हैं। राज्य भाषा केरल की मलयालम है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल राज्य की विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीटें हैं।
इसके उच्च न्यायालय का नाम केरल उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी यूएई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूएई। भारत और यूएई नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 7 अगस्त को अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया, जिसमें नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना है। और अब बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 17, डी 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 7। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में कुल 86 देशों की पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका 133 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर चीन 88 पदकों के साथ और तीसरे स्थान पर जापान 58 पदकों के साथ रहा और 65 पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए गणेशी प्रसाद, बी अखिलेश मिश्रा, सी विवेक दुबे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अखिलेश मिश्रा। आयरलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अखिलेश मिश्रा को नियुक्त किया गया, जो कि IIT BHU के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। इससे पहले वह नेपाल, भूटान, रोम, अफगानिस्तान के पेरू जैसे देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वह विदेश मंत्रालय में डेवलपमेंट पार्टनरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी पद पर थे। और इसमें बात आयरलैंड की हुई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री मिचेल मार्टिन हैं। आयरलैंड देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट मिचेल डी हिगिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहां से चलाई गई? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हरियाणा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा राज्य में चलाई गई। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारत के हरियाणा राज्य ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे सोनीपत और जीन जंक्शन पर चलाई जाएगी, जो कि भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की समस्या से निजात दिलाने की तर्ज पर तैयार की गई है। दोस्तों इसमें हरियाणा राज्य का जिक्र हुआ है, हरियाणा राज्य के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य के वर्तमान में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विजय वर्धन हरियाणा राज्य के 34वें मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। और हरियाणा राज्य का राजकीय पशु काला हिरण, राज्य पक्षी काला तीतर, राजकीय पुष्प कमल और राजकीय वृक्ष पीपल है। और हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से 8 नदियां बहती हैं, जो कि है यमुना, घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकुंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहान और कृष्णावती। ये सभी हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।